हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, क्या आप लोग अपने व्हाट्सएप के चैट को आप लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट करना चाहते हो, यानी कि जिस भी टाइम को जिस भी डेट को आप लोगों ने किसी से भी चैट किया हो, चाहते हैं कि आप लोग वैसा का वैसा ही सेम टू सेम पूरा का पूरा व्हाट्सएप से आप लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दो उस चैट को, तो वो सब आप लोग अब कर सकते हो क्योंकि ये ऑप्शन अब आप सब लोगों के लिए इनेबल कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं कि कैसे किया जाता है, कैसे करना होता है और स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को स्टेप मेरे फॉलो करने होंगे, ध्यान से सुनना होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोग लाइव यानी कि खुद आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट करना होगा और जितना ज़्यादा मुझे डिमांड दिखेगी लोगों की, फिर मैं उतना ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा और बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, और इजी तीन से चार सिंपल स्टेप बताऊंगा जिसमें आप लोग इजीली कर करके आप लोग अपना जो अकाउंट है, यानी कि आप लोग जो भी आप लोगों का जिससे भी चैट किए हैं, चाहते हैं कि वो पूरा व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे चला जाए और कैसे किया जाएगा, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को बस कंप्लीट देखते रहिए। आइलैंड टेक चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी अपने चैट्स को व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर शिफ्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को एक चीज़ हमेशा फॉलो करना होगा। फॉलो ये चीज़ करना है कि जितने भी चैट्स हैं, ग्रुप हो या नॉर्मल चैट्स हो, सिंगल चैट पर्सन, तो आप लोगों को क्या करना है, चैट कोई भी आप लोगों का ट्रांसफ़र करना है यहाँ से वहाँ पर, तो आप लोगों को एक एक करके करना होगा। आप लोग मल्टीपल एक ही बार में वहाँ पर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, ये एक ऑप्शन नहीं है, यानी कि बहुत सारे सिलेक्ट करके एक बार में ट्रांसफ़र करना सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो दूसरी बात ये है कि आप लोगों को समझ लीजिए, जिसका भी व्हाट्सअप से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो उन लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम पर अकाउंट बनाना होगा, ये दूसरा ऑप्शन है। जैसे वो लोग टेलीग्राम पर अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, अगर आप लोगों को पता नहीं कि टेलीग्राम पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपने व्हाट्सएप में जाइए, जिसका भी चैट आप लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यानी कि व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर, आप लोग उसके चैट के अंदर जाइए, वहाँ पे जो ऊपर तीन बटन दिखेगा, तीन डॉट डॉट, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मोर का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो आप लोगों को वहाँ पे सबसे नीचे उसी में एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन दिखेगा। एक्सपोर्ट चैट के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों को बहुत सारे शेयरिंग के जैसा, कैसा किसी को शेयर करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन दिखता है, तो वैसे ही आप लोगों को बहुत सारे शेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा। उसी में आप लोगों को टेलीग्राम एप्लीकेशन का भी लिंक यानी कि जो उसका आइकन होता है वो दिखेगा, बस उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों का जो व्हाट्सअप का जो डेटा है, जिससे भी आप लोगों ने जो भी बात किया है, अब वो पूरा का पूरा आप लोगों के टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम को ओपन कीजिए, चैटिंग फिर से वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ना आप लोगों का चैट होने का डिलीट होने का टेंशन, ना कुछ, और सीधा आप लोग यहाँ का चैट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, अब वहाँ पे चैट कीजिए। तो इस तरह से आप लोग चार सिंपल स्टेप में आप लोग अपने व्हाट्सअप चैट को टेलीग्राम पे शिफ्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोग अगर किसी से भी बात करते हैं तो सीक्रेट ऑप्शन को ऑन कर देना टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम सिग्नल ऑप्शन में, यानी कि जो भी जिससे भी आप लोग बात करते हैं उन लोगों के चैट के अंदर जाके ऑप्शन में जाकर के आप लोग सीक्रेट चैट को ऑन कर देना, इनेबल कर देना, ताकि जो भी आप लोग किसी से बात कर रहे हैं तो वो इनक्रिप्टेड हो जाए, यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो जाए, वो सिक्योर हो जाए चैट, कोई भी आप लोगों की चैट को ना पढ़ सके, इस तरह से आप लोग उसको सिक्योर कर पाएंगे। तो आप लोग सिक्योर कर लेना, फिर किसी से भी चैट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को चारों स्टेप बता दिए। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल है तो उसके लिए भी मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।